Hey guys, welcome back. Infinix Smart 4 Plus and मैंने आपको पहले बताया था कि Infinix का first time जब मैंने कोई phone try किया था वो Smart 3 Plus था. अब आया S, you know, Smart 4 Plus. So देखते हैं ये phone कैसा बना है. Especially हमें ये भी check करना है क्योंकि quite recently बहुत सारे Infinix के phone हम देखे हैं, मैंने कई phones के frame crack हो जा रहे थे bend test में. Alright, तो super budget phone है, फिर भी देखते हैं कि फोन कितना इंप्रूव हुआ है. तो पहले हम सभी फैक्टर्स वेरीफाई करते हैं, देन एट द लास्ट हम ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं क्या ये बिगेस्ट स्मार्टफोन डिस्प्ले जो है इस प्राइस सेगमेंट में ड्रॉप टेस्ट सर्वाइव करता है कि नहीं करता है. एज ऑलवेज गाइस, स्क्रैच टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा कंस्ट्रक्शन दिया गया है फोन में. पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम है, इस प्राइस रेंज में आपको ऐसा ही मिलेगा. उसके ऊपर एक पेंट जॉब यूज किया गया है. लॉन्ग टाइम यूज़ करने में आपका फ़ोन जो डे टू डे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आ सकता है, या अगर आप केस यूज़ करते हैं वहाँ पे अगर आप क्लीन प्रॉपरली नहीं करते हैं तो डस्ट वहाँ पे सेटल हो जाती है. डस्ट एंड सैंड वो आसानी से फ्रेम को डैमेज कर सकती हैं, तो रीसेल वैल्यू में इफेक्ट पड़ सकता है. अंदर से जैसे पेंट हटता है तो फ़ोन का लुक उतना अच्छा नहीं रह जाता है लंबे समय में. एंड बटन्स के बारे में बताऊँ तो इन्फिनिक्स स्मार्टफोन के जहाँ तक मुझे ध्यान है आज तक किसी भी फ़ोन के बटन्स बाहर नहीं आए हैं. और एक्चुअली बटन मैं प्रेफर करता हूँ कि यूनी कलर में हो, लाइक अगर वो टोटली ब्लैक हो तो परफेक्ट लगते हैं, क्योंकि यू नो नेल्स अगर शार्प होते हैं तो वहाँ पे स्क्रैचेस लगते हैं, डैमेज भी होते हैं, तो वो ज़्यादा फील नहीं होते. बट अगर पेंट जॉब है तो यहाँ पे काफ़ी फील होता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. कैमरे का फ्रेम देखते हैं वो कैसा है. अगेन ये प्लास्टिक का बना हुआ है, परफेक्टली ओके फॉर दिस प्राइस. और बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे चूंकि कोई हायर मेगापिक्सल नहीं है, 948 964, तो कैमरे का जो मॉड्यूल है इटसेल्फ वो काफ़ी परफेक्टली फ्लश्ड है. ये जस्ट लाइक सैमसंग के बजट फोन्स में होता है, वहाँ पे ऐसा डिज़ाइन आप देख सकते हैं. तो टेस्टिंग टाइपिंग में यू नो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप फ्लैट स्क्रीन पे रख के फ़ोन यूज़ करते हैं. सिम ट्रे का कंस्ट्रक्शन चेक करते हैं, ये भी वैसा ही है, ट्रेडिशनल डिज़ाइन है. इनसाइड मेटल होता है, आउटसाइड प्लास्टिक है, लेकिन कितना ड्यूरेबल है वो भी हम चेक करते हैं. एक्सीडेंटली अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में सिम ट्रे लगा देते हैं तो क्या होता है. लेकिन यहाँ पे काफ़ी फोर्स लगाने के बाद भी ये टूट नहीं रहे हैं. जनरली ऐसा होता है कि सिम ट्रे डैमेज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा डैमेज नहीं है. तो लॉन्ग टर्म में आपका सिम ट्रे काफ़ी लंबे समय तक परफेक्टली काम करना चाहिए. पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल यहाँ पे दिया गया है. अगेन उसके प्रोज ज़्यादा हैं जहाँ तक मुझे लगता है, कॉन्स बस एक ही है कि अगर आप फ़ोन को नेकेड यूज़ करते हैं, फ्लैट सरफेस पे रखते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स या जो भी वाट एवर यू नो शार्प ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वहाँ से पेंट आसानी से हट जाता है. तो उसका सॉल्यूशन यही होता है कि आप अच्छा खासा केस लगा लें और स्किन लगा लें. और एक साइड इफेक्ट यहाँ पे ये दिख रहा है, आई मीन साइड इफेक्ट तो नहीं कह सकते, आई मीन कुछ लोगों के लिए प्लस है, कुछ लोगों के नेगेटिव है. इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हैं वो बहुत ही आसानी से आप उसको रिमूव कर सकते हैं. इनफैक्ट आप उसको नेल से भी साफ कर सकते हैं और आपके फ़ोन पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ रहा है. जस्ट सिंग. और प्रोस की बात बताऊँ तो रिपेयर चार्ज बहुत ही कम होता है. टॉप टेस्ट में बैक पैनल प्लास्टिक कभी टूटते नहीं है, वो हम आगे आपको दिखाते हैं. फिंगरप्रिंट सेंसर ओके है, बहुत फास्ट नहीं है, बट अगेन प्राइस के हिसाब से परफेक्टली ओके है. लॉन्ग टर्म यूज़ में ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता केस लगाने के बाद भी, तो काफ़ी मेजर माइनर स्क्रैचेस लग सकते हैं. काफ़ी हैवीली स्क्रैच मैंने किया है यहाँ पे, फिर भी परफेक्टली काम कर रहा है. नया फिंगरप्रिंट भी आसानी से रजिस्टर हो जा रहा है एंड अनलॉक भी बहुत आसानी से हो रहा है. तो फिंगरप्रिंट भी लॉन्ग लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे है. ईयर पीस यहाँ पे चेक करते हैं, ये एक्चुअली एक प्लास्टिक की मैश है. यहाँ पे आप कह सकते हैं क्लॉथ का यूज़ किया गया है. और साइड इफेक्ट यही है कि कीज़ इन कॉइन से डैमेज इजीली हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी ओपनिंग है और पॉकेट में आपके इन ऑब्जेक्ट से डैमेज होता है. लेकिन कॉल क्वालिटी में फंक्शनलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आसानी से काम करेगा. बट ये माइनस चीज़ है, मेटल के ऑलवेज प्रेफरेबल होते हैं. अब गाइस ग्लास का पोर्शन चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से, फिर हम रियर कैमरे पे आते हैं. यहाँ पे कैसा ग्लास का प्रोटेक्शन यूज किया वो भी वेरीफाई करते हैं. कंपनी NEG ग्लास यूज़ करती है, कोई भी कॉर्निंग या शॉर्ट सेंसेशन ग्लास नहीं है. NEG ग्लास ऑलवेज आई गेस इन्फिनिक्स प्रेफर करती है. तो मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस से हम टेस्ट करते हैं, न्यूटन्स फोर्स लगाते हैं उस पर, और अप टू लेवल 5 तक आप देखेंगे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ रहा है. तो अगर हम कंपेयर करें कॉर्निंग से, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के 5 एंड 5 प्लस से आप मान सकते हैं. और लेवल 6 एंड 7 पे यहाँ पे स्क्रैचेस पड़े, लेकिन स्क्रैच के टर्म्स में देखें तो ये मुझे कॉर्निंग ग्लास से थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि कॉर्निंग ग्लास 7 पे काफी हैवीली स्क्रैच रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लेवल 8 पे जाने पे काफी डीपर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं. तो यू नो रेगुलर शार्प ऑब्जेक्ट से कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेगा, बस आपको डस्ट एंड सैंड से फोन को बचाना होगा. तो अगर आप कोई बेसिक प्लास्टिक का या टेम्पर्ड ग्लास यूज करते हैं तो आपका डिस्प्ले बहुत ही चलेगा. तो सो फॉर ग्लास काफी इंप्रेसिव लग रहा है. और रियर कैमरे पे चेक करें तो यहाँ पे भी
सिमिलर तरीके ग्लास यूज किया कि लेवल 5 से कोई स्क्रेचेस नहीं पड़ रहे हैं, तो नो डाउट ये फर्स्ट टाइम में देख रहा हूं एनईजी ग्लास में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो ये एटलीस्ट कॉर्नी के गोरिल्ला ग्लास 5 से प्लस है और स्क्रेच की टर्म्स में लेवल 6 में है। ड्रॉप टेस्ट में कितना अच्छा है वो तो हम आगे चेक करते हैं। नाउ एट लास्ट हमने यहाँ पे देखा था कि सिम्ट में कैस्केड प्रोटेक्शन लगी हुई है, तो सीम्स लाइक फोन सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ है, ऑफिशियली ऐसे कोई कंफर्म नहीं किया है। तो हम 5 मिनट तक का यहाँ पे स्प्लैश टेस्ट करते हैं, यू नो एक्सीडेंटल डिप टेस्ट, अगर आपका फोन बकेट में या यू नो किसी भी वाटर सोर्स में गिर जाता है आप इंस्टेंटली बाहर निकाल लेते हैं, उस केस में हम ये चेक कर रहे हैं। आप ये टेस्ट प्लीज ट्राई मत करिएगा, मेरे पास में बहुत सारे फोन डेड हो चुके हैं। एनीवेज यहाँ पे फोकस करते हैं, तो 5 मिनट होने वाला है, फोन को हम बाहर निकालते हैं, क्लीन करते हैं, देखते हैं क्या फोन परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। फर्स्ट फिंगरप्रिंट सेंसर आसानी से वर्क कर रहा है, सेंसिटिविटी लगता है थोड़ी सी कम हुई है, आई गेस 5% आपका मान सकते हैं, अदरवाइज कोई इशूज नहीं है। लॉकिंग भी प्रॉपर हो रही है एंड इटसेल्फ कहीं भी नहीं दिख रहा है कि वाटर अंदर आया हो। एंड वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप परफेक्टली वर्किंग है, पावर बटन भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सेल्फी कैमरा भी ओके है, थोड़ा सा स्लो है बट स्टिल वर्किंग है। ऑलराइट लेट्स सी, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, 96% एंड चार्जिंग बाउंसी है। ट्रिपल कैमरा लेंस क्या ब्रेक होता है अगर आप रियर साइड से फोन गिर, जनरली ऐसे गिरने पे फोन बाउंस नहीं होते अभी तक तो। हेडफोन जैक भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, मेन कैमरा भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, यानी कि फोन आपका सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ भी है। ओके, चलिए डिस्टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस पे, देखते हैं क्या फोन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन से ट्विस्ट करने पे क्रैक होता नहीं होता है, क्योंकि फोन किसी भी डायरेक्शन से आपका बेंड हो सकता है। यू नो अगर मेजर माइनर एक्सीडेंट होता है तो हु नोस आपका फोन किस एंगल से कहाँ पे कैसे बेंड हो जाए। एंड चूंकि काफी बड़ा डिस्प्ले है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, यू नो आप बैकपैक में या पॉकेट में कैरी करते हैं, तो लेट्स सी क्या कोई प्रॉब्लम आती नहीं आती है। एंड सो फॉर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, फोन आपका ओके फील हो रहा है, एज सच कोई भी क्रैकिंग नॉइस नहीं आई है एंड फोन वर्किंग भी है। मूविंग ऑन, चलिए बेंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस पे। एंड टू बी फ्रैंक गाइस, बेंड के टर्म्स में इन्फिनिक्स के फोन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, फोन कम्प्लीटली स्नैप तो नहीं हुआ लेकिन समहाउ फ्रेम्स ब्रेक हो जाते हैं, हमने कई फोन में देखा है, एग्जैक्टली मुझे नेम तो नहीं याद है, जहाँ तक मुझे याद है स्मार्ट 3 प्लस में भी ऐसा हुआ था। तो फिलहाल मैं स्क्रीन साइड से बेंड करता हूँ, देखते हैं क्या फोन फेल होता नहीं होता है। ओके 3, 2, 1 काफी फ्लेक्स आ गया है फोन में, लेकिन अभी तक फोन होल्ड कर रहा है, लेकिन मे बी अगर आप और ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो शायद बटन्स के कारण क्रैक हो जाए, लेकिन सो फॉर काफी अच्छा फील हो रहा है एंड एक्सट्रीम फोर्स लगाने के बाद भी फोन बेंड में फेल नहीं हो रहा है। हल्का सा फ्लेक्स आ चुका है, 2-3 डिग्रीज के अराउंड आप देख सकते हैं, रिवॉल्व व्हीलर यानी कि फोन में थोड़ा सा फ्लेक्स आ गया है, बट अभी भी कोई डिस्प्ले में प्रॉब्लम नहीं हुई है, एटलीस्ट ये वन प्लस की फोन से कम फ्लेक्स हो रहा है, लाइक 70 में आपने देखा होगा। स्टिल कोई इश्यूज नहीं है, हम रियर डायरेक्शन से बेंड करते हैं, आई मीन रियर पैनल से, लेट्स सी 3, 2, 1 जहाँ तक मुझे याद है लास्ट इन्फिनिक्स S5 Pro में आई गेस ऐसा हुआ था कि फोन पावर बटन के अराउंड बेंड हो गया था, तो लुक्स लाइक कंपनी ने काफी इंप्रूवमेंट किया है फ्रेम्स में एंड कोई भी ऐसा बेंड प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। गुड जॉब इन्फिनिक्स, लेट्स सी आगे ड्रॉप टेस्ट में क्या होता है। ओके चलिए ड्रॉप टेस्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वेस्ट हाइट से देखते हैं किस हाइट तक फोन प्रॉपरली चलता है। ओके फोन जितना तेज टर्न करता है आप समझ जाइए कि यू नो काफी भारी फोन है, 208 ग्राम समथिंग का है आई गेस। ओके बॉटम साइड अभी तो वर्क कर रहा है, नो प्रॉब्लम। एंड डिस्प्ले इसका रियली बहुत अच्छा है, इतना बड़ा डिस्प्ले लेकिन फिर भी काफी ब्राइट है, एक कॉर्नर इंपैक्ट अभी भी ओके है,
बॉटम से कॉर्नर इंपैक्ट, न्यू मैसेज, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड वेटिंग फॉर यू, प्रेटी गर्ल इज डांसिंग, नाइस स्ट्रॉन्ग मैसेज. ओके, रियर साइड, बाउंस हो गया पूरा, अभी भी ओके है. नाउ डिस्प्ले साइड से ड्रॉप करते हैं, ये बहुत ही मिनिमम हाइट है, इस हाइट से फोन नहीं टूटना चाहिए. स्वीट टू वन, सो अभी तक तो ओके है. लेट्स सी एनर्जी ग्लास, अभी तक तो अच्छा खासा काम कर रहा है. हाइट इंक्रीज करते हैं, अगर आप फोन से बात कर रहे हैं 5 to 6 feet हाइट से अगर आपको फोन गिरता है. स्वीट टू वन, हल्का सा ये जो बॉडी है ये बाहर आ गई है, जस्ट लाइक हमने देखा था रेडमी नोट 9 में, देख सकते हैं. और सैमसंग की एम सीरीज में भी ऐसा ही कंस्ट्रक्शन है. तो ये लूमिया डिजाइन था जो नोकिया का, अब वो दोबारा वापस आ गया है. ओके, सेकेंड ड्रॉप बॉटम से, आई मीन टॉप से. जस्ट ये फ्रेम बाहर आ जा रहा है, अदर देन दैट कोई दिक्कत नहीं है. तो कॉर्नर से इंपैक्ट हो रहा है, बॉटम से हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. लेट्स सी बॉटम साइड से एनर्जी ग्लास कितना होता है. 3, 2, 1, वाओ, कैमरा ग्लास अभी भी ओके है, नो प्रॉब्लम. नाउ गाइस लास्ट टेस्ट है, और जहां तक मैं मान के चल रहा हूं कि फोन का डिस्प्ले टूटेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा डिस्प्ले, बहुत ही भारी डिस्प्ले. अगर रियली एनर्जी ग्लास इतना स्ट्रांग है कि इतने बड़े ड्रॉप को यू नो सफर कर सकता है, तो आई थिंक कंपनीज को एनर्जी ग्लास यूज करना चाहिए. लेट्स सी. ओके, लास्ट टेस्ट, इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस हेड हाइट. 3, 2, 1. एक्चुअली ये कॉर्नर से चला गया था, सो टेस्ट परफेक्ट होना चाहिए. नो पेड यूट्यूबर्स, राइट? हैशटैग. 3, 2, 1. Wow, surprising. See, looks like energy glass ज़्यादा better लग रहा है मुझे. I don't know, मुझे आज first time ऐसा feel हो रहा है scratch की terms में भी, और ये impossible था क्योंकि इतना बड़ा display, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये नहीं टूटेगा. Well, so ये काफी solid phone निकला scratch की terms में भी, bend की terms में भी, and drop की terms में भी. गुड जॉब Infinix. सो गाइस ये था Infinix स्मार्ट 4 प्लस, अच्छा फोन है, बजट के हिसाब से काफी सॉलिड ड्यूरेबल फोन भी है. हैव अ ग्रेट डे.